आप लोगों ने महसूस किया कि ये साल कितनी जल्दी खत्म हो रहा है? ऐसा लग रहा था अभी शुरू हुआ है और आज 9 महीने खत्म हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, एक साल। और जल्दी वो दिन भी आएगा जब यीशु मसीह बादलों पे सवार होकर आएगा। मैं हम सब उठाए जाएंगे और लोग देखेंगे ये क्या हो रहा है। हर आंख उसे देखेगी। उस दिन जो नहीं जा पाएंगे वो चिल्लाएंगे, रोएंगे, छातियां पीटेंगे। कई मसीह होंगे ऐसे। उस समय आपको एहसास होगा कि हम कलीसिया सही तरीके से क्यों नहीं गए, हमने क्यों नहीं आज्ञाओं को माना। उस दिन आपको एहसास होगा, जिस दिन आप अपने सामने लोगों को आकाश की ओर उड़ते हुए देखेंगे। इसलिए बाइबल कहती है, मेरे भाई मेरी बहन, हमें जांचना है अपने आप को और अपने मन में यह निश्चित करना है कि यीशु मसीह आएगा और हमें जाना है उसके साथ। हो सकता है हमारे इस जीवन में ना आए यीशु, लेकिन हमें ये जीवन उसके मुताबिक बिताना है। आप ये मत समझिए कि आप कुछ भी करते रहेंगे और चर्च आते रहेंगे और वचनों पे नहीं चलेंगे और आपको मृत्यु आएगी और आप मर जाएंगे और यीशु मसीह आपको उठा ले जाएगा। नहीं, उसकी आत्मा जो आपके अंदर है वो गवाही देगी कि आपने उसके मुताबिक जीवन जिया है कि नहीं जिया है। परमेश्वर आपको स्वर्ग दे रहा है, आप इस चीज को मत भूलिए। अनंत काल का जीवन यीशु मसीह ने दिया है आपको, उद्धार दे रहा है वो। उसको समझने की कोशिश करिए कि आपको मिल क्या रहा है यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह कोई धर्म लेकर नहीं आया, कोई धर्म लेकर नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्म और राज्य में बहुत फर्क है। हम धर्म को उसके रीति रिवाजों के अनुसार मनाते हैं, लेकिन राज्य में आप नियम के अनुसार चलते हैं। यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या बोला था? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह आपको अपने राज्य में लेने के लिए आया है, कोई धर्म देने के लिए नहीं आया है। आपको अपने राज्य में वो लेकर चलाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पता है आपको क्या रोकता है? आपकी अज्ञानता। आप समझते हैं कि आपके पास ज्ञान है, 15 साल 20 साल से आप बाइबल पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, चर्च में वचन सुनते हैं, यूट्यूब पे भी देखते होंगे। अभी जैसे नेहा प्रार्थना कर रही थी और कह रही थी, परमेश्वर आपके वचन मेरे जीवन में काम करें। आप भी एमेन कर रहे थे, आप भी प्रार्थना कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे कि परमेश्वर के वचन मेरे जीवन में काम करें। कैसे करेंगे? देखिए, परमेश्वर 4 चीजें चाहता है। ये बाइबल आपको क्यों दी है? कि आप वचन को पढ़ें, उसको मनन करें, उसको याद करें और फिर उसको व्यवहारिक रूप में अपने जीवन में उतारें।
सिर्फ पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा। अगर वो वचन आपके अंदर काम नहीं कर रहे हैं, प्रभु कैसे काम करेगा? वचन के अनुसार। आप प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में काम करें, वो काम करना चाहता है आपके जीवन में, इसलिए तो उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया। लेकिन आप उस वचन को अपने अंदर नहीं ले रहे हैं, आप उस वचन को व्यवहारिक रूप में अपने अंदर नहीं ले रहे हैं, आप उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो कैसे काम होगा? प्रेज द लॉर्ड। ये दुनियावी जो चीजें हैं, दुख सुख, ये है, हम शरीर में हैं, हमें दुख भी मिलेगा, कष्ट भी मिलेगा। हमारे रिश्ते हैं, कोई रिश्ता अलग भी हो जाएगा, कोई हमें मिल भी जाएगा। लेकिन हमारी जर्नी क्या है? उसको पाना। वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि मेरा बच्चा मुझ तक पहुंचे। उसने क्यों अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजा? क्यों यीशु मसीह ने बलिदान दिया? ताकि आप उसके लायक बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए, मैं कलीसिया आता हूं ताकि मैं उसके लायक बनूं। आमीन। अब आप कहेंगे कि यीशु मसीह के द्वारा मैं पाप और श्रापों से मुक्त हो गया हूं, और क्या चाहिए परमेश्वर को? परमेश्वर ने आपको शुद्ध कर दिया है, लेकिन प्रभु चाहता है उसका स्वभाव आप में आए। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने बेटे से, अपने पड़ोसी से, अपने बॉस से क्यों प्यार करते हैं? आप क्यों इज्जत करते हैं उसकी? क्योंकि आप उसके स्वभाव से इंप्रेस हैं। चाहे आपका बॉस उसे आपको 1,00,000 रुपए देता हो, 10,00,000 रुपए देता हो, लेकिन अगर वो आपको कुत्ते की तरह ट्रीट करता है तो आप उसको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन वही बॉस आपको 20,000 देगा, 50,000 देगा, लेकिन अगर आपसे प्यार से बात करेगा तो आप उसको पसंद करेंगे। हालेलुया। आपका स्वभाव ही आपको लोगों के करीब लेके जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने स्वभाव को यीशु जैसा बनाओ। हालेलुया। और इसीलिए उसने अपनी आत्मा दी है। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन पढ़ेंगे हम, भजन संहिता 81 का 81 का 10वां। आज मैं कुछ स्वभाव के बारे में आपसे बात करूंगा। हमारा कौन सा स्वभाव हमें परमेश्वर से दूर करता है? कौन सा स्वभाव हमारा ऐसा है जो हमारी बुद्धि बंद कर देता है कि हम परमेश्वर का ज्ञान ले सकें? भजन संहिता 81 का 10। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल आया है, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। आमीन, हालेलुया। तेरा परमेश्वर मैं हूँ। क्या बोल रहा है परमेश्वर? हेलो, बोलिए। हाँ, आप लोग अंगीकार क्यों नहीं करते? मुझे समझ में नहीं आता है, पीछे क्यों है आप? बोलिए, मेरा परमेश्वर यहोवा है, जो मुझे मिस्र देश से निकाल कर लाया है। वचन क्या कहता है? 81 का 10, कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूं, तू अपना मुंह पूरा खोल और मैं उसे भर दूंगा। Amen. जिस दिन आप अंगीकार करेंगे, जिस दिन आप महसूस करेंगे, जिस दिन आप कहेंगे कि मेरा परमेश्वर यहोवा है, जिस दिन आप महसूस करेंगे कि उसने आपको क्या दिया है,
जिस दिन आप ये जान लेंगे कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या काम किए हैं, जिस दिन आपको महसूस होगा, जिस दिन आप उसके अनुग्रह को चख लेंगे, जिस दिन आप उसके प्यार को रोज अपने जीवन में होता हुआ महसूस करेंगे, उस दिन वो कहता है मैं तेरा मुंह पूरा भर दूंगा। तू अपना मुंह पूरा खोल, दिल से जान, दिल से मेरी कदर कर, दिल से मुझे अपना। मैं तेरा मुंह भर दूंगा, किससे भर दूंगा? अपने सामर्थ से। किससे भर दूंगा? वरदानों से। किससे भर दूंगा? ज्ञान से। हेलो, हम बहुत मेहनत करते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। हालेलुया। मिस्र के लोगों ने, इसराइलियों ने क्या किया था? उसने जो कुछ किया उसको पहचाना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको पता है कि परमेश्वर आपकी लड़ाई कैसे लड़ता है? आप समझते हैं कि मैं, मेरा दुश्मन है और वो मुझे मारने आ रहा, मेरा परमेश्वर आएगा और उसके संग फाइटिंग शुरू कर देगा। वो कैसे लड़ाई लड़ता है पता आपको? इसी का 13-14 पढ़िए, भजन संहिता 81:13-14। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इसराइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। प्रेज द लॉर्ड। 13वां क्या बोलता है? भला होता कि मेरी प्रजा मेरी सुनती। आमेन। वो क्या नहीं, क्या खो रहे हैं वो लोग? आपको नहीं पता कि आप क्या खो रहे हैं? अगर आप उसकी आज्ञाओं पर नहीं चल रहे हैं तो आप क्या खो रहे हैं आपको नहीं पता। दुश्मन आपके जीवन में काम कर रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं। वो क्या कह रहा है? भला होता कि मेरी प्रजा मेरी सुनती और इज़राइल मेरे मार्गों पर चलता, तो मैं शीघ्र ही उसके शत्रुओं को दबा देता और उसके द्रोहियों के विरुद्ध अपना हाथ उठाता। इसमें कहीं लिखा है कि भला होता कि इज़राइली इस लड़ाई लड़ते और मैं उनका साथ देता? लिखा है क्या? वो क्या कह रहा है कि अगर भला होता इज़राइली मेरी बात सुनते, आप उसकी आज्ञा पर चलें, अगर आप उसकी आज्ञा पर चलते हैं, अगर आप उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके रास्ते अपने आप साफ होते जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपके रास्ते साफ होते जाएंगे, अपने आप आशीषों की बारिश आपके जीवन में होती जाएगी, अपने आप वो लोग आपके आपसे मिलते जाएंगे जो आपको आगे लेकर जाएंगे। आपको सिर्फ उसके वचन पे चलना है, आपको सिर्फ उसके अनुसार चलना है। वो क्या कह रहा है? भला होता कि मेरी प्रजा मेरी सुनती। आज उसने कलीसिया क्यों खोला है? कलीसिया उसकी देह है। आज इस कलीसिया का मुझे पासवान क्यों बनाया है? आज वो क्यों मुझे, उसकी आत्मा मुझे वचन देती है? ताकि वो वचन मैं आप तक पहुंचाऊं और आप उन वचनों को सुनकर अपने जीवन में लगाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी सिर्फ एक ही इच्छा है, जो मैं कहता हूं उसको सुनो और अपने जीवन में उतारो। और उसके लिए आपने उसको अपनी, उसने आपको बुद्धि दी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आपसे कुछ नहीं मांग रहा है,
लेकिन हमारे अंदर संसार का प्यार इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि हम उस तरफ आ ही नहीं पाते। हम परमेश्वर के वचन को जान रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को समझ रहे हैं, लेकिन उस पर नहीं चल रहे हैं, उस पर नहीं चल रहे हैं। और हो क्या रहा है? अंधकार की शक्तियां आपके जीवन में काम कर रही हैं। अंधकार की शक्तियां जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं। आपको पता है शैतान कहां रहता है? कहां रहता है शैतान, पता आपको? हेलो, बताइए। हैं, सिमरन जी बोलेंगी। हेलो, इतने चर्चिस घूमती है, इतना ही पता है तुझे? पूछना पास्टर अंकल से अपने। शैतान हवा में रहता है, जमीन में नहीं रहता वो। हाँ, हेलो सर, मुझे आप देखते आ रहे हैं, कैसे हैं? हालेलुया, आमीन। कहाँ रहता है शैतान? हवा में, धरती पर नहीं रह सकता। धरती में वो काम करता है किसके जरिए? आपके जरिए, आपके जरिए वो धरती पर काम करता है, वो धरती पर नहीं आ सकता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं। इसीलिए वो मरियम के जरिए आया, यीशु मसीह मरियम के जरिए आया ताकि वो द्वार बन सके हमारा। मैं जब तक आपके पास ये ज्ञान नहीं होगा, शैतान आपके जीवन में काम करता रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन से शैतान को निकालने के लिए प्रभु नहीं आने वाला, प्रभु नहीं आने वाला। अब आप ये सोचते हैं जैसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर शैतान को मेरे जीवन से निकालिए, नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। उसने एक बार अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजा, उसका बलिदान किया और शैतान को उसने हरा दिया, और आप सबको उसने अधिकार दे दिए। उसने काम पूरा किया। क्या किया? यीशु मसीह ने क्या कहा? पूरा हुआ। उसका हर काम पूरा हुआ। अब शैतान को निकालने का किसके पास है उपाय? आपके पास है। वो नहीं आएगा। आप प्रार्थना करेंगे प्रभु शैतान को मेरे जीवन से निकालो, नहीं आएगा वो, आपको निकालना है। एक गंदा जानवर आपके घर में आ रहा है, आप बुलाएंगे, नहीं आएगा, आपको निकालना है उसको अपने घर से। है शैतान निकलो, है जानवर निकलो। मच्छरों को आप ही मारते हैं ना अपने घर में, मारते हैं ना, मारना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भला होता कि मेरी प्रजा मेरी सुनती और इज़राइल मेरे मार्गों पर चलता। भला होता कि आप उसके मार्ग पर चलते। क्या है उसका मार्ग? क्या चाहता था मूसा के द्वारा परमेश्वर ने फिरौन से क्या कहा था कि मेरी प्रजा को मिस्र से सिने जंगल में जाने दे ताकि मैं चाहता हूं वो मेरी उपासना करें। हेलो, क्या चाहता है परमेश्वर? कि हम उसकी उपासना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला स्थान उसको दें, हम उसकी उपासना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या चाहता है? जिसने आपको जीवन जिया है, जिसने आपको पापों श्रापों से मुक्त किया है, क्या हम उसकी उपासना नहीं कर सकते? लेकिन शरीर जो है, संसार जो है, वो हमें रोकता है, हमें रोकता है कि हम उसकी उपासना ना करें। इसलिए जो इज़राइलिस थे, जो रास्ता 11 दिन में पूरा हो सकता था, उसको 40 साल लग गए।
क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया. प्रेज द लॉर्ड. हेलो, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का मार्ग बहुत सहज है. आप लोग अपने जीवन को कठिन बना रहे हैं, है नहीं? जीवन जीना यीशु मसीह में बहुत आसान है. आप लोग कठिन बना रहे हैं क्योंकि वो जीवन नहीं जीकर जो यीशु चाहता है. अपने हिसाब से जीवन जीकर आप अपने आप को कठोर बना रहे हैं. क्योंकि आपके पास घमंड है. पता है, एक घमंड एक ऐसा स्वभाव है जो आपको प्रभु से दूर करता है. घमंड, पैसे का घमंड, ताकत का घमंड, बुद्धि का घमंड, दोस्तों यारियों का घमंड आपको दूर कर देता है परमेश्वर से. आप उन आशीषों को जो आपके सामने हैं वो लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेना नहीं चाहते आप. प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि आप संसार के ज्ञान पर ज्यादा विश्वास करते हैं. हालेलुया. देखिए भजन संहिता 119 का पहला और दूसरा पढ़िए. यहां पर एक मनुष्य के लिए ये एजरा नबी ने लिखा हुआ है. भजन संहिता 119 किसने लिखा है? एजरा नबी ने, शास्त्री, एजरा शास्त्री ने. वो बहुत महान शास्त्री था, गुणी आदमी था वो. तो उसने पहला और दूसरे में एक इंसान को धन्य कहा है कि धन्य है वो इंसान. पढ़िए बेटा. धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं. जो चाल के खरे हैं. धन्य वो नहीं है जो पढ़े लिखे हैं. धन्य वो नहीं है जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास कारें हैं, बंगले हैं. धन्य वो नहीं है. धन्य वो है जो चाल के खरे हैं, जो खरी चाल से चलते हैं. उनकी चाल में कोई खोट नहीं है. आपको पता है अय्यूब के बारे में कभी सोचा है आपने? ऐसा विश्वास मैंने किसी का नहीं देखा जैसे अय्यूब का था. उसका सब कुछ छिन गया, सब कुछ, और उसके बाद भी वो कहता है कि मुझे विश्वास है कि एक दिन मुझे परखने वाला मेरा परमेश्वर सामने आएगा. Amen. उसने कोई शिकायत नहीं की. उसके दोस्त उसे बुरा समझते हैं, बुरा कह रहे थे. उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया, कह दिया कि तुम निकम्मे हो, गलत हो, तुम निंदा करो परमेश्वर की. ऐसा करैक्टर, ऐसा चरित्र. इसीलिए यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा था शैतान से कि देख, अय्यूब जैसा खरा इंसान मैंने नहीं देखा. जमीन पर, धरती पर एक आदमी है जो खरा है और उसका नाम अय्यूब है. एजरा नबी क्या कहता है? एजरा शास्त्री, धन्य है वो व्यक्ति जो चाल का खरा है. जो चाल का खरा, खरा है. आज चर्च आने से पहले या जहां पर आप काम करते हैं चर्च के लिए छुट्टी लेने के लिए आप 50 बहाने बनाते हैं. अपने आप को मसीह कहने के लिए आप बहाने बनाते हैं कि कहीं मेरा बॉस नाराज ना हो जाए सुनकर यार कि मैं मसीह हूं. लोग क्या कहेंगे? अपने पड़ोसी से भी आप घुमा फिरा के कहते हैं नहीं हम मूर्तियों को, ठीक है हम बुरा नहीं समझते, लेकिन हम चर्च भी जाते हैं. आप अंगीकार करने से डरते हैं. बाइबल क्या कहती है? धन्य है वो मनुष्य जो चाल का खरा है. खरा बोलता है मेरा प्रभु यीशु है. आमेन.
जो मेरे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया। और मैं आपको कह रहा हूं, ईमानदारी से अपने जीवन को बिताइए। आपको नॉलेज नहीं है बाइबल की, कोई बात नहीं, ईमानदारी से अपने जीवन को बिताइए, परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ेगा। जो परमेश्वर नहीं चाहता है उसे कतई मत करिए, जो परमेश्वर नहीं चाहता है उसके बारे में सोचिए भी नहीं। धन है वो मनुष्य जो चाल का खरा है, क्योंकि वो व्यवस्था चलता है, व्यवस्था पर चलता है। अगला बढ़ो, दूसरा, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। आमीन। चेतावनियों को मानते हैं, हेलो, आमीन। चेतावनियां, आपने कभी सोचा है कि निर्गमन 20 में जब परमेश्वर ने कहा था कि कोई भी किसी दूसरी मूर्ति को ना पूजे, लिखा हुआ है, हेलो, है ना, कि किसी भी दूसरी मूर्ति को कोई ना पूछे, मेरा नाम व्यर्थ में ना ले, लिखा हुआ ना, आज्ञाएं पढ़ी हैं। क्या मतलब हुआ, कभी आपने सोचा है, ये किसका बच्चा है, इसलिए ले लिए बेटा, मम्मी के पास चले जाओ बेटा, हेलो, किसी को किसी की मूर्ति ना बनाना, किसी की मूर्ति ना बनाना, प्रेज द लॉर्ड, हेलो, किसी को ना पूजना, ये परमेश्वर ने कहा है, इसका मतलब किसी ने पूजा होगा, किसी ने मूर्ति बनाई होगी, तो परमेश्वर ने कहा है, हेलो, आप समझ रहे हैं? क्यों परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप गड़ी हुई मूर्तियों की तरफ ना देखें, नतमस्तक ना करें? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। परसों मैं देख रहा था अपनी सोसाइटी से एक इंद्रधनुष, आपने देखा परसों इंद्रधनुष था आकाश में, देखा ना इंद्रधनुष, हालेलुया। नूह के जमाने में परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि मैं जब भी ये इंद्रधनुष निकालूंगा तो ये इंद्रधनुष एक चिन्ह होगा कि मुझे अपनी वाचा याद है कि मैं इस धरती को आने वाले समय में जल से समाप्त नहीं करूंगा। और वो इंद्रधनुष दिखाता है, इंद्रधनुष हमें क्या बताता है कि वो जिंदा है। कहीं नहीं लिखा हुआ इंद्रधनुष के बारे में, सिर्फ बाइबल में लिखा हुआ है। और वो इंद्रधनुष आपको दिखता है, रेनबो, ये उसकी गवाही है कि वो जीवित है। वो रेनबो दिखा रहा है, वो बता रहा है कि मैं हूं, मैंने जो कहा था मुझे याद है। रेनबो बताता है कि मेरा बेटा मेरे पास बैठा हुआ है और वो आने वाला है। जिस दिन परमेश्वर के वचन, आपको पता उसकी आज्ञाएं क्या हैं? भजन संहिता 19 का, भजन संहिता 19 का पढ़िए, 7 और 8। यहोवा की व्यवस्था खरी है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, सिद्ध है, उससे जो कहा है वो सिद्ध है। आगे, वह प्राण को बहाल कर देती है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा की व्यवस्था सिद्ध है, वो प्राण को पुनः नया कर देती है। अगर आप मूर्छित हैं, अगर आपका बल जाता रहा है, अगर आप समझते हैं कि जीवन में कुछ नहीं रहा है, अगर आप समझते हैं कि कोई नहीं है मेरा, अगर आप निराश हो चुके हैं, व्याकुल हो चुके हैं, आपको लगता है कि मेरा जीवन में कुछ नहीं है, वो आपके प्राण को पुनः जीवित करती है। यह है परमेश्वर की व्यवस्था, यह है परमेश्वर के वचन की ताकत।
यह है परमेश्वर के वचन की ताकत। हालेलुया। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, जो भोलों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, जो उसने कहा है वो होगा, जो भोलों को, जो मूर्खों को बुद्धिमान बना देते हैं। ये है उसके नियम। आप जानते हैं अगर आप उसके नियम पे चलेंगे तो क्या पाएंगे? बुद्धि। आमीन। किसकी बुद्धि? परमेश्वर की बुद्धि। सोचिए कि अगर आपको परमेश्वर की बुद्धि मिल जाए, आप क्या नहीं पा सकते। आपकी बुद्धि क्या है? जो सामने है उसे देखती है सिर्फ। आप निर्णय किस पर लेते हैं? जो आपको दिखता है उसको देखकर ही आप अपने भविष्य को निर्धारित करते हैं। लेकिन परमेश्वर की बुद्धि आपको बताती है कि भविष्य में क्या होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो परमेश्वर का नियम है वो भोलों को भी बुद्धिमान बना देता है। हालेलुया। सातवां, आठवां, यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। आमीन। उसके उपदेश, उसके वचन सिद्ध हैं, जो हृदय को आनंद से भर देता है। कार लेने में आपको आनंदित नहीं होगा। आप कार लेंगे, नई कार ली, बस आपको खुश हुआ, लोगों को दिखाई आपने और आपको आनंदित हुआ। रोड पर गए, एक भी थोड़ा स्क्रैच लग गया, आपका आनंद खत्म। आपका आनंद खत्म। 10 लाख की कार ली आपने, बड़े आनंदित, फोटो भेजे, ये किया वो किया, बाहर गए, स्क्रैच लगा, आनंद खत्म। लेकिन परमेश्वर का जो नियम है, जो वचन है, वो सिद्ध है। जब हम उसे अपने मन में रखते हैं ना, तो हमें आनंद मिलता है। किस चीज का आनंद? सुरक्षा का आनंद, अनंत काल के जीवन का आनंद, स्वर्ग का आनंद, परमेश्वर से मिलने का आनंद, परमेश्वर को पिता कहने का आनंद। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं आनंद क्या है? यीशु का आनंद क्या है? कि कुछ भी विपत्ति आ जाए, भूमंडल कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका आनंद नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहां आप जी रहे हैं मरने के लिए नहीं, यहां आप जी रहे हैं प्रभु के पास जाने के लिए। क्योंकि सिर्फ मसीह जानता है कि मौत के बाद जीवन है। आमीन। मौत तो आनी है, मौत तो आनी है। इब्रानियों 9:27, मौत तो आनी है, लेकिन हम मसीह जानते हैं कि मौत के बाद जीवन है। पढ़िए बेटे 9:27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। आपको पता है जानवरों का भी बिगनिंग होती है, उनका भी अंत होता है, और आदमियों की भी बिगनिंग होती है, लेकिन आदमियों का अंत नहीं होता। ये ध्यान दीजिए, क्योंकि जानवरों के पास आत्मा नहीं होती है, उसके पास प्राण और शरीर होता है। उसके पास सोल नहीं होती है जानवर के पास, आदमियों के पास आत्मा होती है। इसलिए हमारी बिगिनिंग तो है, लेकिन हमारा अंत मौत नहीं है। मौत के बाद न्याय है। इसके बाद अगर आप ये सोचें कि यार 20-25 साल और हैं यार, एंजॉय करेंगे और मर जाएंगे खा पी के, यार नरक जाए या स्वर्ग में जाए कौन देखता है? वो देखता है, क्योंकि मरना ही आपका अंत नहीं है, मरने के बाद आपका न्याय होगा। और तब परमेश्वर के सामने आप खड़े होंगे, और तब आपको पूछा जाएगा कि आपने क्या अपनाया यीशु को, नहीं अपनाया तो आप नरक जाएंगे। क्योंकि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही है जिसने बलिदान दिया, यीशु है जो आदमी और औरत के संबंध से पैदा नहीं हुआ, यीशु है जो मर के जिंदा हो गया।
बहुत से महापुरुष मरे हैं, बहुत से महापुरुष जिंदा हुए हैं, लेकिन सब लोग मरे हैं, लेकिन यीशु है जो मर के जिंदा हुआ है। वो आदमी औरत के संबंध से पैदा नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि मरना ही आपका अंत है, नहीं, मरने के बाद न्याय होना जरूरी है। इसलिए हम जैसे अपने आप को रखेंगे, जैसा हम इस कम करेंगे जीवन में, वैसा ही आशीष पाएंगे। इसलिए अपने जिनों को सही समझकर सही तरीके से अपनाइए। अगर आप अपने दिनों को सही तरीके से नहीं अपना रहे हैं तो नहीं होगा। आप अपनी मुसीबत को कैसे देख रहे हैं? एक मसीह अपनी मुसीबत को देखता नहीं, वो परमेश्वर को देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा प्रभु मेरे साथ है। गोलियत जब इजरायली सेना के सामने खड़ा हुआ था, पलिश्ती का आदमी, तो सारी सेना गोलियत की ऊंचाई चौड़ाई, उसने जो पहने हुए थे, अपने अस्त्र शस्त्र पहने थे, उनको देखकर डर रहे थे वो लोग। प्रेज द लॉर्ड, हाँ हालेलुया। पढ़िए बेटा 17, पहला शमूएल 17 का 4-7। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि आपने यीशु मसीह में देखना क्या है। 17:4-7। तब पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नाम का एक वीर निकला, जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ के बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था, जिसका तौल 5,000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगे पर पीतल के कवच थे और उनसे कंधों के बीच बरछी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुहाए के डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था, और बड़ी ढाल हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। हालेलुया। देखिए, ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये अगर आप देखें तो दाऊद के हिसाब से है, दाऊद के पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्या लिखता है वो? तब पलिश्तियों की सेना में से एक वीर योद्धा बाहर निकला, जिसका नाम गोलियत था, जो गत निवासी था और जिसकी ऊंचाई 6 हाथ थी। लोग कहते हैं तकरीबन 10 फुट का होगा वो, तकरीबन 10 फुट का होगा। हालेलुया। उसके सिर पर कांसे का टोप था और वो शरीर पर कांसे का कवच पहने था। उसका वजन 5,000 शेकल था। उसके पैरों पर कांसे के कवच थे और कंधों के बीच में कांसे की बरछी लटकी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे की बल्ली के समान थी। उस भाले के फल का वजन 600 शेकल था। उसका ढाल भाग भी उसके आगे आगे चल रहा था। क्या देख रहा था यहाँ पर दाऊद? लोग देख रहे थे उसकी ऊंचाइयां कि 10 फीट का लंबा चौड़ा इंसान है। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद क्यों देख रहा था? किसकी शक्ति क्या है? ये किस पे उछल रहा है? हेलो, किस पे उछल रहा है? अपने आभूषणों पर, अपने कवच पर, अपने सिर पर जो उसने हेलमेट लगाया हुआ उस पर, अपने भाले पर उछल रहा है? हेलो, दाऊद देख रहा था कि मेरा दुश्मन उछल किस पे रहा है? आप भी अपने दुश्मन को देखिए कि ये उछल किस पे रहा है? अपनी शक्ति पर, अपने अस्त्र शस्त्रों पर? हेलो, आप किस पे उछल रहे हैं? मैं यीशु पे उछल रहा हूं। मेरे संग कौन है? यीशु। दाऊद को जब वो ललकार रहा था इजरायली सेना को, और ये अपने सारे अस्त्र शस्त्र पहने हुए था, तो दाऊद निहार रहा था कि अच्छा, इसकी ताकत इसके अस्त्र शस्त्र है, इसकी ताकत इसका ऊंचा होना है, इसकी ताकत इसके बड़े बड़े हाथ हैं। हालेलुया। इसलिए तब उसने क्या कहा, 17:45 में देखिए, 17:44-45।
दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। पलिश्ती ने दाऊद से पूछा, हाँ 45 वहां। तब दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो मेरे पास तलवार भाला बर्छी लेकर आया है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा इसराइल की सेना के परमेश्वर के नाम से तेरे पास आया हूं, जिसको तू ललकारता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप किसके साथ चल रहे हैं? अगर आप जीवन जीते हुए महसूस कर रहे हैं कि मेरे बैंक बैलेंस में 10 लाख रुपए है, बहुत है। अगर आप ये महसूस करते हैं कि मेरे जानने वाले बहुत हैं, एक बार मैं बीमार होऊंगा और मैं डॉक्टर को फोन करूंगा, डॉक्टर आ जाएंगे। अगर आपकी ताकत आपका पैसा है तो आप गलत हैं। पैसा धरा का धरा रह जाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या कहता है कि तू तो बर्छी और जंजीरों और भाले को लेकर आ रहा है, लेकिन मैं यीशु मसीह परमेश्वर के नाम से तेरे सामने आ रहा हूं। परमेश्वर कैसे आपकी लड़ाई लड़ता है जब आप उसे महसूस करते हैं कि वो आपके साथ है? आप कब महसूस करेंगे कि वो आपके साथ है? जब आप उसके वचन पर चलेंगे। ये नहीं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करो, कैसे काम करेगा? अगर आप उसके वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो वो आपके जीवन में काम नहीं कर सकता है। आप चाहे बहुत बड़े पासवान क्यों ना हो, अगर आप उसके वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, अगर आप उसके मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, तो आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा वो। हालेलुया। दाऊद छोटा सा इंसान, छोटा सा लड़का था, 17 साल का लड़का था जब उसने गोलियत को मारा था। और कैसे मारा? उसने गोफन में 5 पत्थर लिए, एक पत्थर को उछाला और मारा। पत्थर कहाँ लगा? वो जो खाली जगह थी ना, शरीर का खाली हिस्सा जो उसने ढका नहीं था, उस पर लगा और धस गया और वो मर गया। आमीन। आपके पास सिर्फ ताकत आपके यीशु की है। इसलिए नौ का 23-24 पढ़िए, यिर्मयाह 9:23-24। ध्यान से समझिए इस चीज को, वही आपकी ताकत है और कोई नहीं है। 9:23-24। यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। आमीन। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, या धनवान अपने धन पर घमंड ना करे, या वीर अपनी शक्ति पर घमंड ना करे। अगर घमंड करना है तो इस बात पर घमंड करिए कि वो मुझे जानता और समझता है। आमीन। परमेश्वर ये नहीं कहता कि आप पैसा कमाइए, पैसा मत कमाइए, बिल्कुल कमाइए। परमेश्वर ही आपको आशीष देता है जो आप पैसा कमाएं, लेकिन आप उस पर घमंड मत करिए। घमंड से चढ़ी हुई आंखों को परमेश्वर घृणा करता है। घमंड मत करिए, आप घमंड मत करिए। गोलियत के साथ घमंड था। प्रेज द लॉर्ड। वो भूल गया क्या कि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। घमंड नहीं करना हमको, क्योंकि जैसे ही आप घमंड करते हैं आपकी बुद्धि बंद हो जाती है। यिर्मयाह 17:5 पढ़िए, देखिए। यिर्मयाह 17:5। यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। जैसे ही आप मनुष्य का सहारा लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, जैसे ही आप मनुष्य की बनाई हुई चीजों का सहारा लेते हैं, जैसे ही आप अपने पैसे का सहारा लेते हैं, जैसे आप अपने रिश्तेदारों का सहारा लेते हैं, आपका मन भटक जाता है।
जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। याद रखिए, आपका मन कब भटकता है, आपका मन कब भटकता है पता आपको? जब आपके मन में आता है कि नहीं यार, 25-30 हजार, 40 हजार की नौकरी है, अपना गुजारा चल जाएगा, मेरा धंधा है, मुझे पालेगा, मुझे मेरे बच्चों को पालेगा, आपका मन भटक जाता है, तभी आपके मन में ये बातें आई हैं। काम करना मुश्किल नहीं है, काम करना मना भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर को पहला स्थान देना जरूरी है। श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है, और जैसे वह मनुष्य पर भरोसा करता है उसका मन परमेश्वर से भटक जाता है। आपके भटकन का यही है, जैसे ही आप करके देख लीजिएगा, आप किसी मनुष्य पर भरोसा करना शुरू करिए, अपनी सर्विस पर भरोसा करना शुरू करिए, आपका मन भटकना शुरू कर देगा। परमेश्वर से पहला स्थान मत दीजिए, आप देखिए आप आपके जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वो क्या कहता है, 81 का हम 10वां द्वारा पढ़े, भजन संहिता 81:10, देखिए वो क्या कहता है, आमीन, जब तू मुझ पे भरोसा करेगा, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं जो तुझे मिस्र देश से निकाल कर लाया है, अपना मुंह भर कर खोल, अपना मुंह पूरा खोल, मैं तुझे भर दूंगा, मैं तुझे भर दूंगा। अंगीकार करिए रोज कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, महसूस करिए उसके अनुग्रह को, उसकी कृपा को। जब आप रोज प्रार्थना करते हैं महसूस करिए, और परमेश्वर का वादा है कि वो आपको भर देगा, आपके मुंह को भर देगा, आप जो मांगेंगे वो आपको देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने जीवन से घमंड के स्वभाव को निकालिए, दीनता और नम्रता के स्वभाव को लेकर आइए। हालेलुया, बोलिए, अपने अंगीकार करिए कि मुझे यीशु की जरूरत है, मुझे जरूरत है यीशु की, मुझे काम करने, अपने सर्विस करने में यीशु की जरूरत है। बोलिए बोलिए, मुझे अपना सर्विस करने में यीशु की जरूरत है, मुझे अपना बिजनेस करने में यीशु की जरूरत है, मुझे अपने बच्चों को पालने में यीशु की जरूरत है, मुझे अपने जीवन में को जांचने में यीशु की जरूरत है। आमीन। बिना यीशु के हम कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप यीशु पर अपना ध्यान लगाएंगे, यीशु आप पर अपना ध्यान लगाएगा, और आप देखेंगे यस कि परमेश्वर किस तरीके से आपको ऊंचा उठाता है। हालेलुया। आज का वचन आपने ग्रहण किया, बोले यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। हालेलुया।